हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंकिताज किचन रेसिपीज। आज मैं लेकर आई हूँ प्याज का लाचा पराठा। बहुत ही टेस्टी लगता है और भरने में एकदम सिंपल होता है, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली है। और जो इसका टेस्ट है ना, वो एक बार आप बना लेंगे तो दो बार बनाएंगे वीक में नाश्ते में। क्या बनाना है? प्याज का पराठा। और गर्मियों में तो प्याज का पराठा बहुत अच्छा लगता है, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होते हैं ज़्यादा, तो हम प्याज का पराठा गर्मियों में बना सकते हैं। तो इस तरीके से प्याज को कट करेंगे हरी मिर्च और हरे धनिया के साथ। तो सारी प्याज को हमें लंबे शेप में कट करना है दोस्तों, पतले पतले स्लाइसेस करेंगे। इनके सारे छल्ले हम निकाल लेंगे प्याज के इस तरीके से। जब तक मैं प्याज हरी मिर्च धनिया कट कर रही हूँ, तब तक आपने अगर मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाइए, रेड बटन पर क्लिक करिए, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाली ऐसी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और वीडियो लाइक करना बिल्कुल से मत भूलिएगा। तो मैंने सारी चीज़ें कट कर ली थी और यहाँ पर हम प्याज को इस तरीके से खोल लेंगे। सारी प्याज को बहुत अच्छे से हमने खोल लिया, इसके छल्ले निकल गए हैं। हरी मिर्च आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर और चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं इसमें। भुना हुआ जीरा पाउडर ज़रूर से डालें और थोड़ा सा डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे क्या होता है ना, हमारा बहुत ही अच्छा टेस्ट तो होता ही एनहेंस, साथ ही साथ कलर भी बहुत अच्छा आता है हमारी स्टफिंग का। तो बस फिर क्या है, हम एक लोई लेंगे इस तरीके से, जो रोटी के हमने बनाया, थोड़ी सी बड़ी सी रोटी बेलेंगे, हल्की मोटी रखेंगे। और ये रोटियाँ हमने बेल ली हैं दोनों, दो रोटियाँ बेलकर तैयार की हैं। अच्छे से स्टफिंग फैलाएंगे दोनों तरफ, ये देख रहे हैं ना आप, अच्छे से स्टफिंग मैंने फैला दिया, बस अच्छे से हाथों से कर दिया है प्रेस। फिर इस तरीके से हम इसके थ्री कट करेंगे पराठा के, जो हमने फिलिंग करके पराठा बनाया। डायरेक्ट भी आप सेक सकते हैं, लेकिन इसमें हमें चाहिए लच्छे प्याज के साथ पराठा। तो फिर लच्छे कैसे बनेंगे, पराठा कैसे खुलेगा अलग अलग लेयर्स में, तो उसको इस तरीके से रोल करके हम सूखे आटे के साथ इसको प्रेस कर देंगे। बस फिर क्या है, अब इस पराठे को हमें बेलना है। तो अच्छे से हम इसको बेलेंगे प्रेस करते हुए, ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, प्याज भी नहीं निकलेगी। अच्छे से ये बेलकर तैयार हो जाता है और उतनी आसानी से ये सिक भी जाता है। ये देखिए मैंने पलट दिया, अब इस पर देसी घी डालकर आप सेक सकते हैं, कोई भी ऑयल लगा सकते हैं, लेकिन देसी घी के पराठे की जो बात है ना, वो कुछ अलग ही होती है, आपके पराठे का ना स्वाद दो गुना कर देती है। तो इसमें जो प्याज है ना, हर लेयर के साथ आ रही होगी तो बहुत ही डिफरेंट टेस्ट देगी आपको, और बिल्कुल नहीं पता लगेगा कि कहाँ आटा है कहाँ प्याज है, एकदम मिक्स हो जाती है ये हमारे आटे के साथ प्याज, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप इसको दही के साथ या रायते के साथ किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर दही, मसाला दही के साथ इसको सर्व कर रही हूँ। ये देखिए इसमें एकदम से ये पराठा मिला हुआ है, इसमें प्याज और एकदम से आटा, सारी लेयर्स आपस में एकदम से मिली हुई हैं, क्रंच भी पूरा है। तो इस पराठे को आप बहुत ही इंजॉय कर सकते हैं, इवनिंग मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, आप इसको लंच में भी ले जा सकते हैं, उतना ही पेट भरेगा आपका जितना सब्जी रोटी के साथ भरता है। तो आज ही बनाइए, ट्राई करिए, बताइए मुझे।